बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रियलिटी शॉक एंड फेजेस ऑफ रियलिटी शॉक। ठीक है, रियलिटी शॉक अगर हम डिस्क्राइब करें, इसको डिफाइन करें, तो हम इस तरह से कहें कि जब भी इंसान जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वर्कफोर्स में एंटर होता है, तो उसको एक तरह का जो है ना रियलिटी शॉक होता है कि मैंने क्या पढ़ा है और अब जो है अगर मैं अपनी उसमें लाइफ में देखूँ, अपने वर्क प्लेस पे देखूँ, तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिस में जो गैप होता है, उस चीज़ को जो है ना इंसान जब उससे जब उसका इनकाउंटर होता है प्रैक्टिकली, तो वो शॉक में चला जाता है। तो इसको हम रियलिटी शॉक कहते हैं। ठीक है, तो रियलिटी शॉक का हम डिस्क्राइब करते हैं। रियलिटी शॉक इज़ टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द रिएक्शन एक्सपीरियंसड व्हेन वन मूव्स इन टू द वर्क फोर्स आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशनल प्रेपरेशन। ठीक है, जैसे मेडिकल फील्ड में है, BSN करने के बाद, MBBS करने के बाद, जैसे डिफरेंट तरह की आप डिप्लोमा करते हैं, डिफरेंट तरह के आप लोग जो है ना वो प्रोफेशनल मतलब आप वैल्यूज लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, उसके बाद जब वर्कफोर्स में जाते हैं तो रियलिटी शॉक से इंसान गुजरता है। ठीक है, क्रेमर ने 1974 में जो है वो 3 फेजेज हमारे पास हमें बताई थी इसकी फेजेज रियलिटी शॉक की 1974 में। ठीक है, इसने कहा था कि हनीमून फेज होता है, ठीक है, शॉक एंड रिजेक्शन होती है और रिकवरी होती है। 3 फेजेस बताई हैं इसने रियलिटी शॉक की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हनीमून फेज की। हनीमून फेज में क्या होता है कि जब भी बंदा नया नया जो है वो अपने प्रोफेशन को ज्वाइन करता है, तो वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर थ्रिल होती है। ठीक है, उसको चीज़ें जो है ना वो क्वाइट रोजी लग रही होती है, मतलब लाइफ बेड ऑफ रोजेस लग रही होती है कि अब वो जो है ना एजुकेशनल सारे बैकग्राउंड से निकल के वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया है। अब उसको इंसान किस चीज़ के से ज़्यादा थ्रिल फील कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि मतलब पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है काम करने की नस्बत। ठीक है, वो कहेगा कि कैसे कहते हैं, जैसे लाइफ बेड ऑफ रोजेज हो गई भी है। ठीक है, और हमने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में केयर मैप्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हमने नर्सिंग केयर प्लान नहीं बना के देने पड़ेंगे, जैसे असाइनमेंट्स होती है वो नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, रात्रों को जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना और इसका एक ये डर खत्म हो जाएगा कि टीचर जो हर टाइम जो है ना हमारे इंस्ट्रक्टर जो है वो सर पे खड़े रहते हैं। जब भी हम फॉर एग्जांपल कैथेटराइजेशन करते हैं, कोई भी IV इंजेक्शन या फिर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, इस दौरान जो है हमारी इनविजिलेशन जो भी है जो है हमें देखा जा रहा था, तो वो हम कभी कोई नहीं देखेगा। अब हम खुद जो है ना वो एक प्रैक्टिकल जो है इंडिविजुअल के तौर पर जो है वो परफॉर्म करेंगे, और हमें कोई भी उसमें रोके टोके का नहीं, और हम परफॉर्मेंस करेंगे देंगे। ठीक है, एक एक्साइटिंग फेज होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि ये अनरियल फीलिंग्स ही होती है। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है ना वो बेसिकली अपनी ओवरऑल जो है ना उसको पिक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, और एक्साइटेड होता है, थ्रिल्ड होता है इस वाले फेज में ना, जब नई कोई भी किसी भी नए प्रोफेशन में प्रैक्टिकल लाइफ जब स्टार्ट करता है कोई भी इंसान अपना प्रोफेशनल जो है ना अपना प्रोफेशन जो है वो प्रैक्टिकली जब वो एंटर होता है अपने प्रोफेशन में, तो उसके अंदर वो पहले हनीमून फेज से गुजरते हैं, मतलब थ्रिल्ड होता है, उसके अंदर जो है ना वो काफ़ी एनर्जी होती है और बहुत ज़्यादा वो जो है ना वो अच्छा महसूस कर रहा होता है कि मैं एजुकेशन और थ्योरी से थोड़ा हट के मैं प्रैक्टिकल में आया और ये आसान है उसकी निस्बत। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट उसकी फेज की बात कर लेते हैं, शॉक एंड रिजेक्शन की। ठीक है, जब हम हनीमून फेज की बात करते हैं तो ये शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली शॉर्ट लिव्ड है, और जो ग्रेजुएट्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको अंदाज़ा होने लग जाता है कि कैसे कहते हैं हमारे पास हमारी जो थ्योरी है और जो रियलिटी है उसके अंदर उन दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, फिर उनको जो है वो कोपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो शॉक एंड रिजेक्शन में चल जाती है। शॉक एंड रिजेक्शन में क्या होता है, शॉक एंड रिजेक्शन जो है उस वाले फेज से जो है ना वो कूप अप करने के लिए डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, मैकेनिज्म्स यूज़ कर रहे होते हैं इस फेज को करने के लिए। लेकिन कुछ जो है मोस्ट कॉमनली जो चूज मेथड है वो ये है कि जब हम रिजेक्ट कर देते हैं ना जो हमारी लर्न वैल्यूज हैं, जो हमने नर्सिंग स्कूल से अपने कैसे कहते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से जो चीज़ें ली हैं उनको, वो उन वैल्यूज़ को जो है वो डिनाई कर देते हैं, उनसे विदड्रॉ कर लेते हैं, और जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं जो उनकी वर्क सेटिंग में यूज़ हो रही हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, और गोइंग नेटिव हो गए, मतलब ये कि जिस तरह का माहौल है जैसा देश वैसा बेस वाली बात कि मतलब जैसा लोग बाकी लोग परफॉर्म कर रहे हैं वैसा ही वो परफॉर्म करते हैं, और तो जल्दी वो कूप अप कर देते हैं अपनी इस वाली कंडीशन और सिचुएशन के साथ। ठीक है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में जैसे IMRC है, डिफरेंट कार्डिक जो है वो कार्डिक वार्ड्स हैं, डिफरेंट मतलब जिस तरह की उसकी वार्ड होगी, जिस तरह की उसका जो है ना वो वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, उसी तरह से वो परफॉर्म करेगा और जो है ना वो इस वाली फेज से जो है ना वो कूप अप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है
शोक एंड रिजेक्शन से निकलने का। इसमें क्या होता है कि कैसे कहते हैं, जो उसने अपनी बेसिकली क्या हुआ है कि अपनी जो लर्न वैल्यूज हैं, अब जो उसने नर्सिंग स्कूल में जब अपने प्रोफेशनल अपने डिप्लोमा में अपनी जो भी उसने प्रोफेशनल डिग्री ली है उसमें जो जो उसने कुछ सीखा था उसको वो उनसे विड्रॉ कर लेता है उन वैल्यूज से जिका, और जो उसकी वर्किंग एनवायरमेंट में परफॉर्म हो रही है चीज़ें जिस तरह से परफॉर्म हो रही होती हैं उन सेट वैल्यूज़ को उन प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करने लग जाता है और इस तरह जो है वो अपनी इस फेज से गुजर जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे करते हुए जो है ना वो एक्सपीरियंस जैसे ट्रांजिशन का, जैसे ट्रांजिशन का बेसिकली फेज जो होता है ना ये फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ है आफ्टर जो है ना एंट्री इनटू द प्रोफेशन। ठीक है, मतलब पहले जो 6 माह होते हैं किसी भी प्रोफेशन में आफ्टर एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो ट्रांजिशन का फेज चल रहा था, इंसान रियलिटी शॉक में जा रहा था और इसकी ये तीनों फेजेज जो है वो पूरी हो रही होती है। ठीक है, शॉक एंड रिजेक्शन जो है इसके अंदर क्या होता है कि इंसान जो है ये भी तरीका हो सकता है कि वो हर काम के लिए खुद को ब्लेम करता है, मैं क्यों नर्सिंग में आ गया, मैं क्यों मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, तो वो किसी भी मिस्टेक के लिए या फिर कोई भी वर्क में प्लेस पर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको वो खुद को ब्लेम करेगा। ठीक है, कि मेरी वजह से हुआ है कुछ भी जो है ना उसको खुद को ब्लेम करेगा उसके लिए। ठीक है, जब क्या होगा कि मतलब उसके लगेगा कि मेरे मतलब अच्छे दिन अच्छे नहीं गुजर रहे, ठीक है, और बुरे दिन और ज्यादा होते चले जा रहे हैं, तो इंसान जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, फटीक होती है, उसको एंगर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसका हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ग्रेजुएट जो होते हैं ना वो डिल्यूजन्ड होते हैं। ठीक है, और ड्रॉप आउट करने की कोशिश करते हैं अपना प्रोफेशन। ठीक है, तो ये है बेसिकली शॉक एंड रिजेक्शन का फेस। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, एंगर हो जाता है, हाइपर क्रिटिकल एटीट्यूड हो जाता है इंसान का। ठीक है, इंसान जो है वो कैसे कहते हैं अपनी हर मिस्टेक के लिए खुद को ब्लेम कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना विड्रॉ कर रहा होता है अपनी जो है ना नर्सिंग वैल्यूज को, अपनी जो है ना लर्न वैल्यूज जो है वो विड्रॉ कर रहा होता है, उनको छोड़ के जो है ना वो अपनी इस वाली फेज से गुजरने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम एक सक्सेसफुल जो है ना वो कैसे कहते हैं मैनेज ट्रांजिशन करना चाहते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन हुई है ना कि हम स्टूडेंट थे अब हम प्रोफेशनल बन गए हैं। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें तो नर्सिंग स्टूडेंट थे, अब जो है ना हमने एक आरएन की तरह उसको बिहेव करना पड़ा है, एक रजिस्टर्ड नर्स की तरह उसको एक्ट करना पड़ा है, परफॉर्मेंस देनी पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद जो है ना उसको उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बढ़ गया हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि सक्सेसफुली मैनेज हमारी ट्रांजिशन हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन का मैकेनिज्म यूज करना चाहिए, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, और अपने सपोर्ट ग्रुप्स को जो है ना सपोर्ट ग्रुप से जो है ना वो हमें हम फैसिलिटेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये मैकेनिज्म हम यूज करके जो है ना वो सक्सेसफुली मैनेज अपनी ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें कि फर्स्ट जो स्टेप होता है ना कैसे कहते हैं कि अपनी इस वाले इन वाले फेजेस से जो है ना वो कूप अप करने का, इनसे गुजरने का, इनसे निकलने का, कि इंसान अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में ना जो है वो ह्यूमर तलाश कर लेना। ठीक है, मतलब ये कि जो है ना वो जैसे इंसान जो है ना वो किसी भी बात में किसी भी उसमें हंसी का एलिमेंट, इंसान जो है ना लाफिंग का एलिमेंट लेके आता है ना, जैसे डिफरेंट तरह की सिचुएशंस हो रही है होती है हमारे वर्क एरिया में, अपने पेशेंट्स डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, वो उस तरह वाला तो नहीं लेकिन एक स्माइल का एक एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए है कि फिर ये अगर हम एक वर्किंग एनवायरनमेंट में एक जगह पर रहते हुए थोड़ा सा स्माइल का एलिमेंट अपने लिए लेके आते हैं तो वो जो है हमारी डिक्रीज कर देता है टेंशन को। ठीक है, और हमारी जो है ना हम जो है ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम एक तरह के रिकवरी की तरफ चल जाते हैं और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ होने लग जाते हैं चले जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप जब भी इस वाली ट्रांजिशन वाली फेज से गुजरते हैं आप कोशिश करें कि आप जो है ना ह्यूमर तलाश करें, अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है कुछ भी ऐसा होता है तो आप उसमें जो है ना हंसी का एलिमेंट ढूंढे ताकि जो है ना इसकी उसकी वो जो टेंशन है उसकी वो जो चीज़ है वो उस तरह से गायब हो जाए और जो आप अपना जो है ना इस वाले फेस से अच्छे तरीके से गुजर, मतलब जैसे हम काफ़ी दिन अगर एक ही तरह की वार्ड में काम करते हैं तो हम उन लोगों के साथ भी जो है ना वो अपने फेमिलियर हो जाते हैं, उन लोगों के का मिजाज समझने लग जाते हैं। ठीक है, फिर उस तरह से हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा घुल मिल के उस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अच्छा लग रहा होता है, जबकि पहले दिन या फिर कुछ पहले शुरू के दिन होते हैं आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, डिफरेंट चीज़ें आपको करनी पड़ी जो आपने पहले नहीं कभी की होती है, और डिफरेंट आपको बिहेवियर्स जो है वो करने पड़े होते हैं, बियर करने पड़े होते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना किसी भी चीज़ है कोई भी एलिमेंट कोई भी इस तरह का तो उसमें आप ह्यूमर तलाश करें। ठीक है, अच्छा जी, क्रैमर ने कहा था कि चार तरह से जो है ना चार बेसिक चार तरह से जो है ना वो
हमारे पास न्यूली ग्रेजुएट्स जो है ना वो कूप अप करते हैं, और चार तरह से जो है वो ग्रेजुएट्स जो है न्यूली ग्रेजुएट्स जो है ना वो रियलिटी शॉक को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रियलिटी शॉक जो है रिकवरी की मैंने बात कर ली कि वो टेंशन रिलीज करेगा हमारे पास, हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिवली कैसे कहते हैं, हमने अबिलिटी टू बी ऑब्जेक्टिव जो है वो इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि हम खुद एनालाइज करेंगे कि इस वार्ड में किस तरह के लोग रहते हैं, उनके मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, तो मतलब अपनी ही आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो उस अपने शौक से अपने उस फेज को रिजोल्व करेंगे, रिकवरी की तरफ चले आएंगे। ठीक है, क्रैमर ने कहा था कि चार तरह से जो है ना वो लोग रिजोल्व करते हैं अपनी रियलिटी शौक की अपने फेज को। ठीक है, पहली तरह के वो लोग होते हैं, ठीक है, जो कैसे कहते हैं क्या वर्ड यूज हुए हैं कि मेड ए लॉट ऑफ वेव्स। ठीक है, वो डिफरेंट तरह की रेनोवेशन लेके आ रहे थे, डिफरेंट की रेवोल्यूशन लेके आ रहे थे अपने वर्किंग एनवायरमेंट में, बहुत सारी अच्छी चीजें कर रहे होते हैं न्यू, मतलब ये कि उनको एक मौका मिल जाता है कि जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा वो उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। ठीक है, प्रैक्टिकली अपनी अपनी सेटिंग में जो है ना वो उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है कि वो जो है ना वो चेंजेस लेके आ सके वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी जो है वो चीजें लेकर चल सके। ठीक है, ये है, अगर ऐसे अगर किसी बंदे के साथ ये होता है कि जैसे वो अपने प्रोफेशनल में अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिकली एंटर हुआ, ठीक है, तो उसको ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट मिला जिसमें उसको चेंजेस करने का मौका मिला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मतलब उसका जो लर्न एक्सपीरियंस है, जो जो उसने चीजें सीखी हैं उसके अकॉर्डिंग उसका उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला, तो ये चीज जो है वो बहुत ऑब्जेक्टिवली और बहुत जो है अच्छे तरीके से उसको रिजोल्व करने की, उसको अपनी रियलिटी शॉक को रिजोल्व करने का मौका दे देती है। इससे क्या होता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इंसान जो है ना वो लर्न करता है बहुत सारी चीजें, उसका पोटेंशियल जो होता है ना टू लर्न वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और इंसान जो है वो ग्रो करता है। लेकिन इसकी निस्बत अगर किसी को अपने अच्छे सही तरह से मौका नहीं मिला अपनी जो है ना वो कॉम्पिटेंसीज को, अपनी एबिलिटीज को और अपने नॉलेज को शेयर करने का, चीजों को अपने तरीके से और थ्योरी के अकॉर्डिंग और जो उसने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करने का, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, वो लिमिटेड सा रिस्पॉन्स देते हैं, वो एक तरह के ना जो वो एक तरह का ना वो सही तरह से जो है ना वो खुल के सामने नहीं आते। ठीक है, और बंद कुजे वाली बंद मतलब एक तरह का जो है ना वो अपना अपना नॉलेज जो उन्होंने सीखा है उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, और वही जो सेट रूल्स एंड रेगुलेशन है चीज़ हैं उनको लेके करते रहते हैं, तो वो अपना कुछ ऐड नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा जी, एक जो है एक वो लोग हैं जिन लोगों को मौका मिल गया, ठीक है, वो उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन कर दिए अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में, उन्होंने जो है ना वो बहुत सारी चेंजेस लेके आए हैं और उन्होंने एक तरह का आइडियल एनवायरनमेंट को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ना वो एडवांसमेंट करते हैं, डिफरेंट डिग्रीज लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह के जो है ना वो वेलफेयर के काम और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मतलब इन लोगों को जो है ना वो कॉन्ट्रीब्यूशन करने का मौका मिल रहा है, इन लोगों को चेंजेस लेके आने का मौका मिला है, इनको रेवोल्यूशन करने का मौका मिला है। ठीक है, अब दूसरी तरह के कौन से लोग होते हैं जो हमारे पास क्या वो क्या करते हैं कि टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। ठीक है, अब इनको इनकी लिमिटेड ग्रोथ हुई है, इनको जो है ना खुद को ग्रो करने का मौका नहीं मिला, इनकी जो है ना रियलिटी शॉक वो अच्छे तरीके से रिजोल्व नहीं हुआ। ठीक है, ये नेगेटिवली बिहेव करते हैं। ठीक है, इनका नेगेटिव अप्रोच होती है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इनकी नेगेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं ना वो बर्नआउट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंट ग्रिपिंग होती है और कंप्लेन कर रहे होते हैं, जो लोग जो है ना वो अपने वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए उनका कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है ना, इन लोगों की इस तरह से जो है ना वो रिजोल्व नहीं होता हुआ होता है रियलिटी शॉक वाला फेज। ठीक है, इन्होंने जो है ना वो अपनी रियलिटी शो को सही तरह से इनका रेजोल्यूशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है इनका कंप्लेनिंग बिहेवियर होता है, सारी लाइफ जो है ये लोग जो है ना वो उस प्रोफेशन में रहते भी हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि कभी खुश नहीं होते इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो उन्होंने जो वो करना चाहते थे, जो वो मतलब चीज़ें लेके आना चाहते थे वो नहीं ला सके, या उनको मौका नहीं मिला, जो फिर जो भी जो है ना वो मसला मसाइल हुए, लेकिन ये है कि वो चेंजेस नहीं लेके आ सके। ठीक है, और उन्होंने सेट जो चीज़ें हैं उन्हीं को लेके चली हैं और अपना नॉलेज नहीं शेयर किया, अपनी चीज़ें नहीं लेके आ सके, तो ये एक तरह का कंप्लेन ही करते रहते हैं थ्रू आउट द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और थ्रू आउट देयर लाइफ ना, और बस ये कि कमा रहे हैं तो रुपया आ रहा है हमें इस प्रोफेशन से, तो बस ठीक है, इस चीज़ से लेकर मतलब नेगेटिव एटीट्यूड रहता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, और तीसरी तरह के कौन से लोग होते हैं कि ये क्या करते हैं कि इनका जो है ना एक तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर जॉब, लेकिन ये है कि जहाँ इनको प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देनी पड़ी है ना, ये जहाँ इनकी डिमांड बढ़ गई है, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देने की डिमांड जहाँ इंक्रीज हुई, ठीक है, तो ये अपनी ये कैसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ये नर्सेज होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं कि अपने शिफ्ट चेंज कर लेती हैं, ठीक है, अपनी वार्ड्स चेंज कर लेती हैं, इस तरह का जो है ना इनका अवॉइडिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, ये क्या करेंगी कि कैसे कहते हैं
इनकी इनिश होती है कि हॉस्पिटल में जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स देयर जॉब, ठीक है, सोचती है अपनी जॉब के बारे में, ठीक है, लेकिन यह है कि जहाँ पर इंक्रीज प्रोफेशनल परफॉर्मेंस करने का जहाँ इनको जहाँ इनके से डिमांड बढ़ गई, ठीक है, तो अपनी शिफ्ट चेंज कर लेंगी, रिलैक्स ड्यूटीज़ की तरफ चली जाएंगी, ठीक है, कि मतलब हमें इनकाउंटर ना पड़ेगी, हमें प्रोफेशनली उस तरह से बिहेव ना करना पड़े, ठीक है। और तीसरी तरह की क्या जो लास्ट है हमारे पास चौथी तरह की नर्सेज होती हैं, चौथी चार फोर्थ नंबर पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि नर्सिंग में रहते हुए ही जो है ना वो कुछ और करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कि उनकी कोशिश होगी कि कैसे करते हैं मैं जो है ना मतलब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली क्लिनिकल साइड पे परफॉर्म ना करूं, अगर नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं तो पर क्लिनिकल साइड पे हम परफॉर्म ना करूं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर बन जाऊं, ठीक है, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर बन जाऊं या फिर नर्सिंग स्कूल में कोई और डिग्री कोई और जो है परफॉर्मेंस दूं, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ना ये हाई प्रोफाइल बनाते हैं अपनी, ठीक है, मतलब ये कि फॉर एग्जांपल बीएसएन कराएं उसके बाद एमएसएन करेंगे फिर पीएचडीज करेंगे, ठीक है, इनका ये होगा कि मैं अपनी प्रोफाइल बढ़ाऊं, अपना एजुकेशन एक्सपीरियंस बढ़ाऊं, ठीक है, क्लिनिकल साइड पे इनका इतना ज्यादा जो है ना वो रुझान नहीं होगा। ये लोग क्या करेंगे कि अपने लिए जो है ना फिर आगे जाके पॉलिसीज मेकिंग की तरफ चले जाते हैं जो है, उसके बाद ये रेगुलेशन लेके आने की कोशिश करते हैं कि जो ये चाहते थे ना कि आइडियली स्ट्रक्चर्ड जो इनको इन्वायरमेंट जो है ना वो ये क्रिएट करें, ठीक है, ताकि जो इन्होंने जो स्कूल में लर्निंग की थी ना उसको प्रिवेल कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। मतलब ये जो है ना ये लॉन्ग टर्म इनकी जो स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, ओवर द ईयर्स जो है ना ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके बाद एक नतीजे पे पहुंचते हैं, एक मुकाम पे पहुंचते हैं और फिर ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं ब्रॉडर लेवल पे, ठीक है, हायर लेवल पे चेंजेस लेके आते हैं और फिर जो है ना ये आइडियली उस तरह का जो है ना स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ ये जो ये चाहते हैं वो अपनी स्कूल की जो है ना सीखी हुई चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट करवा दें, ठीक हो गया। आज हमने पढ़ा रियलिटी शॉक, ठीक है, इसकी उसके क्रैमर की दी हुई जो है हमने फेजेस पढ़ी थी, हनीमून फेज था, शॉक एंड रिजेक्शन थी, रिकवरी थी, फिर जो है क्रैमर ने चार तरह के लोगों को डिफाइन किया था, डिस्क्राइब किया था कि जो जो अपने रियलिटी शॉक वाले फेज से ना को रिजोल्व कैसे करते हैं, रिजोल्व द फेज जो हमारी रियलिटी शो की फेजेस चल रही होती है उनको किस तरह से रिजोल्व करते हैं। अगर मैं इनको समराइज करूं तो पहली बात यह है कि एक ऐसे लोग होते हैं जो हैं बहुत सारी अपने वर्किंग एनवायरनमेंट चेंजेस लेके आ रहे थे, दूसरे वो लोग होते हैं कि बस ठीक है पे मिल रही है, ठीक है, और जॉब कर रहे हैं तो बस चलता रहे ना प्रोसेस, ना हम इसको छोड़ सकते हैं ना ही जो है ना हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ये हमारा अब लाइफ का पार्ट बन गई है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, कंप्लेनिंग बिहेवियर रहेगा। तीसरे कौन से लोग हैं, तीसरे इस तरह के लोग हैं कि वो क्या करेंगे, वो जो है ना डिफरेंट तरह का जो है ना उनका एक पॉजिटिव अपनी नर्सिंग के बारे में तो उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, पॉजिटिव उनका एटीट्यूड होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, लेकिन प्रोफेशनल डिमांड जहाँ इंक्रीज हुई वहाँ इनका अवॉइडिंग बिहेवियर होगा, ठीक है। चौथी तरह के कौन से लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो अपनी जो है ना स्ट्रक्चर्ड जो इन्होंने सीखी हुई चीज़ें हैं लर्न जो अपनी नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ना इस ज्यादा जो है ना वो हायर डिग्रीज लेते हैं, हायर प्रोफाइल सेट करते हैं, ठीक है, और पॉलिसी मेकिंग की तरफ चल जाते हैं और हायर साइड पे जाके उस तरह का स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो काम करना चाहते हैं और फिर वो नर्सिंग थ्योरी और नर्सिंग जो चीजें हैं जो उनका स्कूल का नॉलेज है उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और कैसे कहते हैं कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया।